हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे तमिलनाडु और अंडमान निकोबार के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जनजाति हैं, लोक नृत्य हैं, या जो भी तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही वन लाइनर के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बहुत छोटे तरीके से बनाया गया है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, उसके पहले ये वीडियो आप देख कर जाएँ तो आपके जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे मुझे नहीं लगता इससे बाहर जाएंगे। दोस्तों वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो SSC का कोई एग्ज़ाम हो, SSC MTS या रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, स्टेट PSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। दोस्तों मैप में लोकेशन आप देख पा रहे होंगे तमिलनाडु की है, ब्रॉड मैप हो गया तमिलनाडु का। दोस्तों ये मदुरई आप देख पा रहे होंगे तमिलनाडु की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है एटलस खोलिए, एटलस में तमिलनाडु का ब्रॉड मैप खोलिए और उसके बाजू में ज्योग्राफी मैप दिया गया वो भी खोलिए, और दोनों को साथ में रखिए, क्योंकि जब भी मैं फैक्ट बताऊँगा या जगह का नाम बताऊँगा तो आपको वो जगह देखनी है। ऐसा करने से आपको जल्दी ही ये सारे फैक्ट याद हो जाएंगे और एक बार में ही याद हो जाएंगे। राजधानी की बात की जाए तो चेन्नई, जैसे मद्रास के नाम से भी जाना करते थे, ये तमिलनाडु की राजधानी है। उच्च न्यायालय चेन्नई में है, मुख्य भाषा तमिल है, जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तमिलनाडु में। लिंगानुपात 996 महिला प्रति 1000 पुरुष है। सीमाओं की बात की जाए तो उत्तर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से सीमा लगती है, दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, और पश्चिम में केरल और कर्नाटक से तमिलनाडु की सीमा छूटी है। राज्य दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कुल 38 जिले आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। विधानसभा सदस्यों की संख्या 234 है, लोकसभा सदस्य 39 यानी 39, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18 यानी 18 है। पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो दोस्तों जो कुनाई कनाल है के पर्वतीय स्थान, ऊटी, कन्याकुमारी, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, मरीना बीच, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में है, और विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये भी आपको चेन्नई में मिलेगा। तो दोस्तों ये प्रमुख पर्यटन केंद्र आपको तमिलनाडु में देखने मिलेंगे। बात करते हैं लोक नृत्य की तो भरतनाट्यम, कुमी, कवाड़ी और कोलाटम ये प्रमुख लोक नृत्य आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। दोस्तों जिसमें से भरतनाट्यम और कोलाटम ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, SSC के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। बात करें त्यौहार की तो पोंगल, जलीकट्टू, पंगुनी और पुथांडू ये त्यौहार आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, जिसमें से पोंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, वो लिस्ट मैंने आपको दी है। तो मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ति राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। बात करें यूनेस्को साइट की तो महाबलीपुरम यूनेस्को साइट में 1984 में ऐड किया गया, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर को 1987 में ऐड किया गया, वहीं नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 1999 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया। बात करें जनजातियों की तो कादर, अरनादम, कम्मारा, कोटा, मालासर और टोडा ये प्रमुख जनजातियां आपको तमिलनाडु में मिलेगी। दोस्तों अब बात आइए कुछ वन लाइनर फैक्ट की, तो आपको इनके बारे में बता दें, तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। दक्षिण जो भारत है, प्रायद्वीप भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें दक्षिणी जो बिंदु है उसका नाम है केप कमोरिन, और ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में ही स्थित है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन किया गया, जिसे अब हम तमिलनाडु राज्य के नाम से जानते हैं। दिसंबर 1968 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। एनी बेसेंट के थियोफिजिकल सोसाइटी का कार्यालय NADR मद्रास में ही था। दोस्तों ये जो फैक्ट है, दिसंबर 1968 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं तमिलनाडु के मंदिरों की तो तमिलनाडु के मंदिरों को पुण्य भूमि कहा जाता है। मद्रास का नाम चेन्नई 1996 में किया गया। तमिलनाडु का मुख्य पर्वतीय शिखर डोडाबेट्टा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में आपको मिलेगी, जो तमिलनाडु में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1916 में, दोस्तों यहाँ पर 1616 है, 1916 नहीं 1616 में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। कंप्यूटर का प्रथम निगम आधारित प्राइवेट बंदरगाह है एन्नोर, जो बंदरगाह है वह तमिलनाडु में है, और यह भारत का प्रथम फुल कंप्यूटराइज बंदरगाह है। कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी है, ये आपको याद रखना है, ये SSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मदुरई थी वह पांड्या वंश की राजधानी था, और तंजावुर या तंजौर चोल वंश की राजधानी रहा है।
तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। क्रोकोडाइल रॉक कन्याकुमारी में स्थित है। केला अनुसंधान केंद्र तिरची में स्थित है। स्टील का सर्वाधिक उत्पादन सेलम में किया जाता है। उद्गम मंडलम का नया नाम ऊटी है, जिसे हम ऊटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसका नाम उद्गम मंडलम है। सूती वस्त्र उद्योग हेतु कोयम्बटूर प्रसिद्ध है। आदम का जो पुल है रामेश्वरम में है, इसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। कुछ और फैक्ट की बात की जाए तो कार्डियम, इलायची, अन्नामलाई, सुरुमलाई और जेबराय, जावाड़ी, शेवराय और पंचामलाई पहाड़ियाँ आपको तमिलनाडु में मिलेंगी। केला, हल्दी, साबुदानी में सर्वाधिक या प्रथम उत्पादन और या प्रथम नंबर जो है वह तमिलनाडु का आता है। बात करें आम, नारियल, मूंगफली के उत्पादन में तो इसमें तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जो तमिलनाडु से संबंधित हैं। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों ये आपको याद रखना है, विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाया गया था। तमिल जो शास्त्रीय नृत्य, तमिल जो भाषा है उसे शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है। सुरुवनी पहाड़ियों को तिरतली सुपर स्पॉट घोषित किया गया है। स्क्वैश खिलाड़ी जोसन चिनप्पा तमिलनाडु से ही संबंधित हैं। पहली भारतीय तलवारबाज भवानी देवी तमिलनाडु से ही संबंधित हैं। भारत की प्रथम समुद्री गैस संरक्षण रिजर्व जो स्थापित किया गया है वह तमिलनाडु में किया गया है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए देश का प्रथम केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया। तूतीकुड़ी में इसरो का नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया। पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान तमिलनाडु का है। रेलवे कोच फैक्ट्री 1952 में पेरम्बूर में लगाई गई, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। पूर्व का एथेंस मदुरई को कहा जाता है। दोस्तों पोंगल की बात की जाए तो पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है और इसमें जो चौथा दिन होता है उसे कन्या पोंगल के नाम से जानती हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो कॉन्स्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें ये एग्जाम पूछा गया था। मनुरा किला तंजावुर में स्थित है। यूनेस्को साइट शोर मंदिर भी है। दोस्तों यूनेस्को साइट में जो ऐड है शोर मंदिर ये यहीं पर है। मीनाक्षी मंदिर 16वीं सदी में द्रविड़ वास्तुकला से बनाया गया था। नटराज मंदिर, जलीकट्टू खेल का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। दोस्तों जलीकट्टू खेल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कुछ और फैक्ट की बात की जाए तो श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल आपको बेल्लूर में मिलेगा तमिलनाडु के ही, और गंगकोड चोलपुरम राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों ये एक तालाब है जिसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम है, जिसे राजेंद्र पुल नहीं चोल के द्वारा बनवाया गया था, ये भी तमिलनाडु में ही आपको मिलेगा। हिस्ट्री आप जो पढ़ी होगी तो वहाँ पर इसका बहुत अच्छे से ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दोस्तों अभी हमने बात की है तमिलनाडु के बारे में, अब बात करते हैं हम अंडमान निकोबार के बारे में। दोस्तों सबसे ऊपर ये देख पा रहे होंगे ये नॉर्थ अंडमान है, जो अंडमान का सबसे ऊपरी भाग है उसे नॉर्थ अंडमान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मिडिल अंडमान का नाम आता है, फिर लोअर अंडमान है, और आपको पता होना चाहिए लोअर अंडमान में ही यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसके बाद लिटिल अंडमान आता है, अब यहाँ से शुरू होता है निकोबार। तो दोस्तों जो पहला आइलैंड है उसे कार निकोबार के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बीच जो डिग्री है या जो चैनल है वह 10 डिग्री चैनल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों या अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, तो ये 10 डिग्री या 10 डिग्री चैनल है। चलिए अब बात करते हैं अंडमान निकोबार के कुछ फैक्ट के बारे में। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 886 महिलाएं प्रति हजार पुरुष। कुल जो जिले हैं वह 33 हैं। आपकी स्थिति के बारे में बात की जाए तो 6 से 14 उत्तरी अक्षांश और 92 से 94 पूर्वी देशांतर के बीच ये आपको मिलेगा। कुल 36 द्वीप यहाँ पर आपको मिलेंगे। राजकीय पशु में केकड़ा भक्षी वानर अंडमान का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी मेगा पोड है। राज्य दिवस 11 मार्च को मनाया जाता है। लोकसभा सदस्य की संख्या 1 है। राज्यसभा सदस्य की 1 भी संख्या नहीं है, यानी 0 संख्या है राज्यसभा की अंडमान में। प्रथम जो मुख्य आयुक्त तो बने थे वह एक घोष बने थे। मुख्य भाषाएं यहाँ पर कौन कौन सी बोली जाती हैं, तो बांग्ला, हिंदी, निकोबारी, तमिल, मलयालम और तेलुगु, ये प्रमुख भाषाएं आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगी। दोस्तों बांग्ला भाषा है वह इसलिए बोली जाती है क्योंकि यहाँ का जो न्यायालय है वह आपको कलकत्ता लगेगा।
जनजातियों की बात की जाए तो ओगो, जारवा, सेनेटल और उजमानी, ये जनजातियाँ आपको अंडमान में मिलेंगी। वहीं बात की जाए त्यौहार की तो ओणम, काली, पूजन, पोंगल, ईद, क्रिसमस और संक्रांति, ये प्रमुख त्यौहार आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे। पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो सैलूरा जेल राष्ट्रीय स्मारक है, ये भी आपको अंडमान में मिलेगा। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, चेथम, सोमिल, पिक आइसलैंड, रॉस आइसलैंड, चिड़िया आइसलैंड और माउंट हैरियट। इसके अलावा मेडनबट्टन द्वीप, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, रॉस द्वीप, नील द्वीप और मरीन अजायब घर, ये प्रमुख पर्यटन केंद्र आपको अंडमान और निकोबार इन दोनों द्वीपों पर मिलेंगे। वन्यजीव प्राणियों की या जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी बात की जाए तो बैरन द्वीप, नारकोंडम, नॉर्थ रीफ द्वीप, साउथ सेनेटल, साउथ बट्टन, नॉर्थ बट्टन, लिटिल बट्टन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और झांसी रानी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे, जिसमें से महात्मा गांधी और झांसी राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा साउथ बट्टन और नॉर्थ बट्टन, ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते कुछ और फैक्ट की तो अंडमान के सैलूरा जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है, जिसे 1996 में आरंभ किया गया था और 1906 में समाप्त कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर 1896 है, 1896 में शुरू किया गया था और 1906 में समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1896 को अंडमान निकोबार को केंद्र शासित प्रदेश जो क्षेत्र है वह बनाया गया, जिसका प्रशासन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थी अंडमान के बारे में। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज थी मैंने कंप्लीट कर दी है, जितने भी राज्य हैं जितने भी यूटी हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए वीडियो, वहाँ पर हर एक स्टेट का स्टेटिक जीके दिया गया है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इससे आगे आपके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।